गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग बताइएगा मुझे। और आप सभी का स्वागत है आप लोगों के चैनल पे। और आप सभी का चैनल जो है वो है ये, क्योंकि इस पे जो है हम सभी काम करते हैं, तो ये आप सभी का चैनल है, मेरा भी और आप लोगों का भी। तो आज हम घूमते हैं और आपको सैर करवाते हैं अपने नम्होल बाज़ार की। छोटा सा बाज़ार है हमारा, छोटी सी मार्केट है, तो इसमें घूमते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये SBI का बैंक है यहाँ पे। और आज जो मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है मैंने, करूँगा नहीं पर की है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बताइएगा मुझे। और यहाँ पे है हमारी शॉप, ये देखिए यहाँ पे, ये मेरी शॉप के बाहर खड़ा है, ये हमारी शॉप है। और ये है सोनी साहब, तो ये सोनी है फ्रॉम ललहाना, मतलब दारला घाटसड़ के हैं, आरके से हैं ये। और यहाँ पे PNB ATM है, और यहाँ पे ये रिपेयर वाला है, मोबाइल रिपेयर वाला। तो ये देखिए, और ये है हमारे PNB बैंक है। और साथ में ये देखिए, ये है चौक, ये है हमारे नम्होल का चौक। और यहाँ पे ये छोटा सा ढाबा, यहाँ से चाय मंगाता हूँ मैं। और ये स्कूल के लिए गया रोड, और यहाँ पे भी बाजार है थोड़ा सा। और ये देखिए, ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो खड़े हैं यहाँ पे और तैनात हैं अपनी ड्यूटी पे। और यहाँ पे जो देखिए आप, ये जो ये वाली शॉप है, यहाँ से मैं राशन भी ले जाता हूँ और जो भी छोटा मोटा सामान होता है, जैसे पेंट वगैरह, वो सारा सामान यहीं से लेके जाता हूँ मैं। ये और मेरा क्लासमेट भी है ये लड़का अश्वनी। तो और यहाँ पे ये था कच्चा रास्ता जो गया था ना हमारे घर को, वो वाला दिखाया मैंने अभी, दूसरी साइड दिखाया जो, तो ये घर को गया। और यहाँ पे है जगदीश भाई जी की शॉप, जो आपको दिखाए भी थे एक दिन उनके घर भी। और मैंने बोला था कि डॉक्टर, इनके बुज़ुर्ग भी डॉक्टर थे और ये भी डॉक्टर हैं और इनके बच्चे भी डॉक्टर हैं, तो ये उनकी शॉप है, ये हमारे गांव से ही है। और यहाँ पे है हमारा रेन शटर, तो यहाँ पे जो है बस स्टॉप भी है छोटा सा एक, और यहाँ पे बसें रुकती है और सवारियाँ जो है यहाँ पे ठहरती है, खड़ी होती है। और यहाँ पे भी मोबाइल वाले की शॉप है, ये भी मेरा क्लासमेट है, ये GLL की शॉप है, जहाँ पे ओप्पो का ये बोर्ड लगा है ना वो। और साथ में ही एक छोटा सा होटल है, और साथ में बैंक है एक और। ये सामने सामने वाली साइड पे है ये कंप्यूटर सेंटर है यहाँ पे, और मेरे फ्रेंड का भी कंप्यूटर सेंटर है, वो भी दिखाऊंगा। और ये देखिए एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे बैंक है, और यहाँ से बहुत से लोगों को सहायता भी मिलती है, और बहुत से लोग जो है यहाँ से लोन वगैरह जो घर बनाने के लिए चाहिए होता है किसी को, तो वो मिलता है। और ये सोनी साहब है, ये बिलासपुर से हैं बट यहीं पे इनकी शॉप है। और ये ATM है यहाँ पे SBI बैंक का। तो पहले बताता हूँ मैं आपको कि पहले मेरी शॉप कहाँ होती थी, अभी चेंज की मैंने कुछ ही साल पहले, 1 साल पहले। ये देखिए, ये जो ये वाली बिल्डिंग है ना, इसके साथ जो शॉप थी वो मेरी शॉप होती थी पहले, और यहाँ से हम कपड़े खरीदते हैं। ये पंजाब से हैं शायद, कहीं से लुधियाना साइड से होंगे, पर इनसे ही हम कपड़े खरीदते हैं। बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े इनके पास होते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि इन्हीं के पास खरीदते हैं हम, सीताराम जी हैं उनसे भी खरीदते हैं, और उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे सूट होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सब्जी वाला है, और यहाँ पे हेयर ड्रेसर है। तो और यहाँ पे है हमारा वो डिपू, राशन डिपू जो होता है ना, वो यहाँ पे है हमारा, यहाँ से लेके जाते हैं हम राशन। और ये देखिए हेयर ड्रेसर, ये भी यहीं थोड़ी नज़दीक से ही है। और ये अब हम पहुँच गए हैं थोड़ा सा, मतलब एंड हो ही गया है मार्केट का इस साइड वाला। और दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये हार्डवेयर की दुकान है यहाँ, मराठा है हमारे ममनू साइड से हैं, तो इनकी शॉप है ये हार्डवेयर की। और दूसरी शॉप जो दिखाई मैंने हार्डवेयर की, वो अश्वनी की थी, वो मेरा क्लासमेट है और अश्वनी महाजन है उसका नाम, तो वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और
मतलब उसके जो दाम है ना सामान के, वो थोड़े से मतलब अच्छे हैं इन लोगों से। और ये देखिए, अपने अपने गुजारे के लिए सभी जो है वो सुबह से लेके शाम तक जो है वो भटके होते हैं। और सुबह लोग जो है 5 बजे उठ जाते हैं या 4:30 भी उठते हैं कई तो और फिर सारा दिन भर जो है वो काम करते हैं, दौड़ दौड़ के काम करेंगे किसके लिए, पेट के लिए। बस पूरा दिन भर दौड़ते हैं और रात हो जाती है उनको, 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। तो देखिए सारे जो है वो मेहनत करते हैं। और सच कहा है किसी ने, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। और यहाँ से ना हम स्कूल जाते थे, ये वाला रास्ता था। और यहाँ पे है ये घड़ी की शॉप है, 2-3 ही शॉप हैं घड़ी की भी हमारे। तो ये देखिए, ये हमारा है पोस्ट ऑफिस यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पार्सल वगैरह छोटी मोटी जो जो भी चीज़ें आती हैं वो यहीं पे आती है। और ये हमारे लोहारड़ा से चमन भाई, और ये टीचर हैं PTI टीचर। तो ये हमारे से 1 या 2 साल आगे थे।
पर ये मतलब बहुत ही अच्छे मतलब लड़के हैं ये, और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगता है। और ये है जी बिल्डिंग, यहाँ के लोकली बंदे की बिल्डिंग है ये, तिलक तिलक है एक, यहीं से ही नज़दीक से वहाँ से है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बेच रहे हैं ये सोनी साहब को, देखिए आप, ये है सोनी साहब, ये भी सोनियार की दुकान है। और यहाँ पे हार्डवेयर की दुकान है ये, और यहाँ पे ना ये हल वगैरह भी मिलते हैं, और चक्की टोका, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे ये आम बेचने आए हैं, ये यहीं नज़दीक से है, मतलब यहाँ अब नाम भूल गया मैं वहाँ का, यहीं से है, थोड़ी सी दूर पे 20 किलोमीटर दूर इनके घर होंगे, तो वहाँ से ये आम बेचने आए, इनके खुद के आम होते हैं। और यहाँ पे ये जो ए वाला हैंडपम्प है ना, यहाँ का पानी बहुत ही मीठा जैसा होता है, बहुत अच्छा जैसा। और यहाँ से लेके जाता हूँ मैं बिजली का जितना भी सामान होता है, ये कामी भाई है उनके शॉप है यहाँ पे। तो और यहाँ पे ये हमारी सब्जी मंडी, सब्जी मंडी यहाँ पे ना हम सारा जो है टमाटर टमाटर लेके आते थे, और यहीं पे हम रखते थे, ये टमाटर बेचते थे। और यहाँ जो ऊपरली साइड है ना, ये भी सब्जी मंडी वालों की जगह है। और यहाँ पे हमारे गांव से ही शंकर भाई जी हैं, उनकी शॉप थी ये बुक मतलब क्या फोटोग्राफरी की। और यहाँ पे दिखाता हूँ एक अच्छे वाली चीज़ जो है यहाँ पे मतलब मशहूर है, जो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। और सब्जी मंडी की यहाँ पे भी टमाटर रखते थे, मतलब बहुत सारे टमाटर होते थे काफ़ी। और ये देखिए, ये जो स्पेशल चीज़ दिखा रहा हूँ, ये कामधेनु का स्वीट शॉप है। तो यहाँ से ही सारे जितने भी लोग हैं ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। और जैसे दीपावली हो गई या कोई भी त्यौहार हो गया, तो यहाँ से लेके जाते हैं सारे। यहाँ के इलाकावासी जितने भी हैं, वो सारे यहीं से स्वीट्स जो भी लेके जाना है तो यहीं से लेके जाते हैं। ताज़ी ताज़ी सब स्वीट्स बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है बुक सेलर, जनरल स्टोर है, और ऐसे ही छोटे मोटे दिखाता रहूँगा मैं आगे भी। देखिए आप, ये हमारे नम्होल का रेस्ट हाउस है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है। और यहाँ पे जितने भी वो मंत्री या कोई भी जो है रात को ठहरने आए, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था होती है। और ऐसा जैसा है ये देखिए आप, देखने को जैसा आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये विश्राम गृह नम्होल हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से बना हुआ। और यहाँ पे है हमारी तहसील। और ये जो ये लोक मित्र केंद्र है, ये मेरे क्लासमेट मेरे दोस्त का लोक मित्र केंद्र है। और
आगे ले चलता हूँ मैं आपको। और ये देखिए यहाँ पे ना हमारा स्कूल भी है, हमारा हमारी यादें जो है वो जुड़ी है। ये देखिए स्कूल का गेट है। अभी यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम भी चला है, ये लैब बन रही है, साइंस लैब, तो ये चला है। और साथ में ये देखिए स्वास्थ्य केंद्र, मतलब यहाँ पे जो है वो छोटा सा एक हॉस्पिटल है, पर यहाँ पे सुविधाएं जो है वो सारी है, ये हमारे स्कूल के साथ ही है, और रेस्ट हाउस के साथ। तो अभी मैं रेस्ट हाउस भी दिखा लेता हूँ आपको ऊपर से भी कैसा दिखता है। और ये जो शॉप्स है ना, ये दवाइयों की शॉप्स है और बुक सेलर की शॉप है, और साथ में ये PWD का दफ्तर है, ऑफिस है। और ये देखिए यहाँ से दिखता है हमारा बहादुरपुर, हमारा गांव ये। तो ये जो ये भी देखिए, ये दुकान दवाई की है, और साथ में ये हाँ यहाँ पे वो लैब है। और ऐसा दिखता है ये ऊपर से, जहाँ पे मैं स्वास्थ्य केंद्र के आंगन में खड़ा हूँ। और ये पल्ली साइड से देखिए ये दिख रहा है रेस्ट हाउस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।